गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर के डुमराव से। जी हाँ, धारदार हथियार से युवक के मुआ दिहल गई घर से कुछ दूर पोखरा पो गई रहन सूते। आधा मरल स्थिति में परिजन के मिलल खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पो नया बानी। तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी ताकि सबसे पहले खबर के नोटिफिकेशन रौरा मिलत रहे। जी हाँ, बक्सर के महरौरा में एगो युवक के धारदार हथियार से कहानी खत्म कर दिहल गई। घटना डुमराव थाना में महज 1 किलोमीटर के दूरी पर घटित भइल बा। युवक हर दिन के तरह पोखरा पे सूते गई रहन। आधा रात के कुछ लोग उनका पो अचानक हमला कर दिहल। युवक के आवाज़ सुन के आसपास के लोग दौड़ के पोखरा पर पहुँचल, जहाँ से युवक के जख्मी हालत में आनन फानन में डुमराव अनुमंडलीय अस्पताल लेके पहुँचल लोग। बेहतर इलाज खातिर रेफर करे के बाद अभी चलते रहे तब तक के युवक के कहानी खत्म हो गई। एकरा बाद पुलिस मामला के छानबीन में जुट गई बिया। मुए वाला डुमराव थाना क्षेत्र के महरौरा गांव में कृष्णा राय उम्र 30 वर्ष, पिता माला राय इनकर नाम हो। आशंका जतावल जा रहा बा कि युवक के हत्या प्रेम प्रसंग में भइल बा। फिलहाल पुलिस अनेक बिंदु पे जाँच शुरू कर दिले बिया। डुमराव थानेदार बिंदेश्वरी राम बतैनी कि सूचना मिलते ही मौका पे दल बल के साथ हमार टीम पहुँच गई। मुँह और देह के कब्जा में लेके कागजी से कार्रवाई शुरू कर दिहल गई। मुँह वाला के मेहरारू के नाम रिशु देवी है। मुँह वाला के 3 गो लड़का बाए में 2 गो बेटा एगो बेटी भी बिया। थानेदार बिंदेश्वरी राम बतैनी कि युवक के शरीर पर कई गो गहरा जख्म के निशान बा। पुलिस मामला के जाँच करतिया। परिजन द्वारा दिहल गई आवेदन के आधार पर FIR दर्ज करके आगे के कार्रवाई में पुलिस जुट गई बिया। रउरा सबके बता दी कि ऐसा मामला अक्सर दुए चीज खाती होला, या तो जमीन के विवाद हो या नहीं तो प्रेम प्रसंग हो। 30 वर्ष उम्र रहल हटुए, अधिकतर लोग जे जतना रहला दबे जुबानी है कहत रहे कि प्रेम प्रसंग चलत रहला, जेकरा बाद यह तरीका के घटना के अंजाम दिहल बा। जौना तरीका से युवक के कई जगह जख्म दिहल गई बा, इससे आशंका और बढ़ जाता कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के मामला हो, जेकरा बाद यह तरीका के घटना के अंजाम दे दिहल गई बटुए। हालांकि ये युवक के घर के लोग के रो रो के बुरा हाल बटुए। यह घर के लोग FIR भी करवावे वाला बटुए। अब देखे के बटुए कि यह मामला में पुलिस का उद्भेदन करतिया। यह मामला में पुलिस के भीड़ी युवक के नंबर के आधार पर ही कुछ कही जा सकेला। नंबर के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान करके पुलिस अगर चाही तो 24 से 48 घंटा के अंदर दूध के दूध और पानी के पानी कर दी। जैसे ही यह बात के खबर है युवक के अगल बगल अड़ोस पड़ोस वो मोहल्ला के लागत सब के सब लोग जब पहुँच गए देखे खातिर। यह युवक के घरे रोइन पराइन भर रहे, रो रो के सबके बुरा हाल भर रहे। हालांकि थानेदार बिंदेश्वरी राम बतैनी कि जल्दी यह मामला से पर्दा उठी, वैज्ञानिक अनुसंधान कैल जाए। अनुसंधान के आधार पर जे भी ये घटना के अंजाम दिले बा एको जाना बची हैं ना। घर के लोग भी कहत रहे कि सरकार फलनवे तरीका के घटना के अंजाम दिले बटुए। अब पुलिस के बटुए कि जल्दी से जल्दी यह मामला पे से पर्दा उठावे। हालांकि थानेदार सामने दृश्य लिख रहल बटुए। डुमराव थाना के थानेदार स्क्रीन के बाएं साइड बानी, जो उनकी लिखा पढ़ी कर रहल बानी। युवक के पहचान पोस्टमार्टम खातिर सब कुछ तैयारी चल रहल बटुए। भोजपुरिया समाचार उरा दर्शक लोग के सब कुछ देखा रहल बा, लेकिन उरा दर्शक लोग से भोजपुरिया समाचार एक ही आग्रह करेला कि चैनल पर अगर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, और अगर फेसबुक पर खबर देखतनी तो फॉलो कर ली ताकि सबसे पहले खबर के नोटिफिकेशन रौरा मिलत रहे, ताकि भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक देशे ना विदेश तक जाओ। एगो रौरा शेयर कैला से भोजपुरिया समाचार और आपन माटी के खबर अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुँची। एक एक नोटिफिकेशन सबसे पहले रौरा सबके मिलत रहे। सीधा तस्वीर महरौरा के हटुए, जहाँ पे तरीका से घटना के अंजाम दिहल गई बटुए। भोजपुरिया समाचार लाइव वीडियो रोरा दर्शक लोग के ओहिया से देखा रहल बटुए।
एक एक खबर पनिया भोजपुरिया समाचार बनैले बा, हर खबर मजबूती से देखैले बा। बस दबा के शेयर करी सभे। बहुत बहुत धन्यवाद।